Hi students, this is Veena Goel from Navigators Overseas Chandigarh. Today let us talk for US visa और हम इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे क्योंकि पेरेंट्स कई बार जो है वो हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हैं जबकि बच्चे they can talk in English and they can understand. तो हम इसका सारा वीज़ा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है एंड हाउ स्मूथ इट इज़. जो US वीज़ा है वो बहुत ईजी है अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस हो. ये सेम डे वीज़ा दे देते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. तो हम शुरू करते हैं कि कैसे आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना. आपने चाहे आइल्स किया या नहीं किया डजंट मैटर. देयर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज जो विदाउट आइल्स आपको लेते हैं या अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो आइल्स पीटी टोफल ड्यूलिंगो सारी टेस्ट एक्सेप्टेड है. अब इसमें दो किस्म के प्रोग्राम है. वन इज स्टेम प्रोग्राम अदर वन इज नॉन स्टेम प्रोग्राम. जो स्टेम प्रोग्राम्स हैं उसमें 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है. स्टेम प्रोग्राम्स क्या है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स इंक्लूडेड है उनको स्टेम प्रोग्राम बोला जाता है. नॉन स्टेम में जो आ गए आपके कॉमर्स का हो गया बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो गए. क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जब आप प्रोग्राम चूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है स्टेम एंड नॉन स्टेम. अब स्टेम प्रोग्राम मान लीजिए आपका बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन एक सब्जेक्ट उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का डाला तो कई बार वो भी स्टेम प्रोग्राम में है. तो अगेन ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाता है कि 3 ईयर का उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है. अब देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स लाइक जिन्होंने किसी और फील्ड में किया होता है एंड नाउ दे वॉन्ट टू चेंज टू अदर फील्ड. अब मान लीजिए बच्चे ने मेडिकल से पढ़ा हुआ है और अब वो IT फील्ड में जाना चाहता है जो कि बाकी कंट्रीज में थोड़ा सा आपको जस्टिफिकेशन देना मुश्किल होता है लेकिन US में इफ यू आर वेरी क्लियर विद द थिंग्स आपको वीजा में कोई दिक्कत नहीं आती. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. हमारी एक स्टूडेंट है जो कि ये मेडिकल बैकग्राउंड से थी जिसका कल वीजा ग्रांट हुआ है. शिमला की बच्ची है और ये जा रही है IT रिलेटेड कोर्सेज में. मेडिकल का स्टूडेंट IT के कोर्स में जा रहा है तो आपको इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है. अब जिस यूनिवर्सिटी में हमने इसका कराया वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और इसको जो है 1 ईयर अकोमोडेशन टोटल फ्री है यूनिवर्सिटी की तरफ से. तो हाउ फ्लेक्सिबल दे आर. अच्छे बच्चों को कैसे अकोमोडेट करते हैं उनको कैसे एनकरेज करते हैं US वाले यू हैव सीन. अब दूसरी बच्ची का वीजा आया. अब ये बच्ची मेडिकल की है और इसको न्यूरोसाइंस में जाना था रिलेटेड फील्ड है तो और इसको भी हैवी स्कॉलरशिप लगी है. ये भी बच्ची शिमला से है तो इसका भी वीजा इमीडिएट ग्रांट हुआ है. US में आपने क्या ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन पे आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए. आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में I-20 अप्लाई किया है ये जरूर आपसे पूछा जाता है. आपकी स्टडी कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपका कैंपस कहाँ पे है आपने ये स्टडी क्यों ली है आपने इंडिया में क्यों नहीं पढ़ा. ये 4-5 मेन क्वेश्चन है. अगर आप इनको ध्यान से और अच्छे से अगर आप तैयारी कर लो थोड़ा ही रिसर्च कर लो तो US का एक वीजा ऐसा है जो कि बहुत इजी है. आप ये देखिए जब आपने अप्लाई किया I-20 के लिए प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो I-20 कुछ यूनिवर्सिटीज की टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है किसी की $40 है किसी की $100 है. अब I-20 के बाद आपकी सर्विस फीस जानी है और फिर एम्बेसी फीस जानी है. एम्बेसी फीस जाने के बाद आपने अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक करना है जो कि आजकल थोड़ा चैलेंज चल रहा है लेकिन एम्बेसी टाइम टू टाइम स्लॉट्स खोल रही है और स्लॉट्स मिल भी रहे हैं तभी मैंने आपको बच्चों के वीजे दिखाए हैं जैन एंड टेक के वीजा हैं ये. तो इसमें डरने वाली बात नहीं है. सेकेंड जो प्लस पॉइंट है कि आपका अगर मान लीजिए किसी कॉलेज की रिक्वायरमेंट या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 6 बैंड है या 5.5 है और एक में 4.5 है डजंट मैटर जो कि बाकी कंट्रियों में ऐसा नहीं है चाहे वो UK है चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे कैनेडा है. तो अगर आप ये देखें तो US सबसे फ्लेक्सिबल है. फीस आफ्टर वीजा जाती है आपकी एप्लीकेशन फीस चलेगी मीन्स आपकी I-20 फीस गई है आपकी एम्बेसी फीस आनी सर्विस फीस आनी खाली ये 3 फीस जरूरी फीस आनी है. उसके बाद जो यूनिवर्सिटी फीस है वो वीजा के बाद जानी है. जब आपकी फीस टोटल वीजा के बाद जानी है तो आप टोटल जो है रिस्क फ्री हैं
क्योंकि आपकी फीसेस मेनली जो सारी वीजा के बाद जा रही हैं, आपका वीजा किस चीज पे डिपेंड करता है कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, चाहे आपने आईएलटीएस भी नहीं किया, चाहे आपका आईएलटीएस का स्कोर 5.5 है, बट इफ यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली मीन्स आप उनका जो जवाब है वो आप कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं. How many universities you applied? I applied in 3 universities, in 2 uni. You have to tell the name. और आपकी स्टडीज कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, ये चीजें अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं तो आपके वीजा में 101% कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द गुड यूनिवर्सिटीज इफ यू आर गोइंग देयर टू स्टडी. अगर आपने अच्छे से पढ़ना है, अगर अपने लाइफ अच्छी बनानी है, अगर आपने स्टिम प्रोग्राम्स में जाना है. अभी यूएस की बैक टू बैक वीजा आए हैं इस बार हमारे, एंड अब जो है आपका सितंबर एंड कुछ यूनिवर्सिटीज का इवन में इंटेक भी है, उसके लिए आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.